यहां पूछता है उत्तराखंड की, आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन? जनता ने सरकार तो बना दी, किसके पक्ष में वोट दिया ये भी बता दिया, लेकिन अब चेहरा कौन होगा इसको लेकर कश्मकश की स्थिति बन गई है। क्योंकि बीजेपी ने जिस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा वो चेहरा पुष्कर सिंह धामी का था। धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी अब किस चेहरे पर दाव खेलेगी, यानी उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इन्हीं तमाम कयासों और दावों के भीतर एक बड़ा सवाल खड़ा था, लेकिन उस सवाल में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट यह आया कि बीजेपी के घर से एक आवाज उठ रही है। वो आवाज ये कि अगर विधायकों में से किसी चेहरे को चुनना है तो बीजेपी इतिहास बना ले, वो इतिहास जो अब तक उत्तराखंड की सियासत में नहीं लिखा गया। बीजेपी किसी महिला चेहरे पर दांव खेल दे, यानी किसी महिला चेहरे को आगे करे और उसे मुख्यमंत्री बना दे, जिससे पूरे देश के भीतर एक संदेश जाएगा। और इसका आधार जो राजनीतिक विशेषक बता रहे हैं, याद होगा आपको कि हाल ही में तमाम मंचों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही साइलेंट वोटर को लेकर। साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर मतलब महिलाएं। अब ऐसे में संकेत यह दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ऋतु खंडूरी के नाम पर भी मोहर लगा सकती है, ताकि देश के भीतर जो साइलेंट वोटर बीजेपी के साथ खड़ा है, जो दावा देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें कोई सेंध ना लगे, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन कहानी में कई ट्विस्ट हैं, और वो चेहरे हैं जो बीजेपी के घर के भीतर उम्मीद पाले हुए हैं कि इस बार उनकी लॉटरी लग सकती है। उदाहरण के तौर पर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल। लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि जो नाम चर्चाओं में चलते हैं उससे इतर बीजेपी फैसला लेती है। जैसा उदाहरण के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के साथ हुआ, उससे पहले तीरथ सिंह रावत के साथ हुआ। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं जो नाम चल रहे हैं वही नाम मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। और अगर देश के प्रधानमंत्री ने इस सवाल को अपनी नाक का सवाल बना लिया तो धामी रिपीट भी कर सकते हैं, धामी रिपीट भी कर सकते हैं इस शर्त के साथ कि विधायक उनके लिए विधायकी छोड़े और 6 महीने के भीतर वो सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर भी जाए। अब ऐसे में कहानी में कई ट्विस्ट हैं, तो मुख्यमंत्री कौन? धामी हारे, अब बीजेपी किसके सहारे? आज इसी पर करेंगे दिलचस्प चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले ऋतु खंडूरी का बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। निर्णय लेगा वो निर्णय मेरे लिए मान्य होगा। हम मेरा कोई भी इसमें ना तो निर्णय है ना मत है। जो भी संगठन सोच रहा है वो इस प्रदेश के हित के लिए सोच रहा है, जो भी होगा इस प्रदेश के हित के लिए होगा। माना जा रहा है महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके वोट दिए। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक तो मिथक तोड़ा है, और उस मिथक को तोड़ने में बहनों की, महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। इस लोकतंत्र के पर्व में जिस तरह से मेरी बहनों ने हिस्सेदारी की है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमन करना चाहती हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत आज हमारी बहनों की जीत है। दावे और वादे हर तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी इस बार किसी महिला चेहरे पर दांव खेलेगी? ऋतु खंडूरी का भी जिक्र करेंगे। ऋतु खंडूरी ये वो चेहरा है जो भुवन चंद खंडूरी की बेटी है। भुवन चंद खंडूरी जो 2012 में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे, खंडूरी है जरूरी का नारा दिया, बीजेपी खुद चुनावी रण में मात खा गए और एक बार फिर
पिता की हार का बदला लेने के लिए चुनावी रण में कोटद्वार से रितु खंडूरी ही उतरी और रितु खंडूरी चुनाव जीत गई। ऐसे में सवाल यह कि खंडूरी के चेहरे को देखते हुए ईमानदार छवि का जिक्र किया जा रहा है और ऐसे में रितु खंडूरी क्या वाकई में चेहरा बन सकती है उत्तराखंड का? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें गीता ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त अनिल भास्कर साहब जुड़ेंगे कांग्रेस का चेहरा है, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीता ठाकुर जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको मैडम? गीता ठाकुर जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैडम अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। गीता मैडम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है मैडम। मैडम मैंने कहा कि 2012 और 2022 गंगा में तो बहुत पानी बह गया जी। 2012 में आपने कहा था खंडूरी है जरूरी और आज मैं ये कह रहा हूं कि क्या वाकई में अब की बार खंडूरी सरकार, एक बार फिर से खंडूरी सरकार? ये सबसे हेलो जी मैडम, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ये कह रही हूँ आपसे 2012 में मैं खुद भी कैंडिडेट थी जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड की शान भुवन चंद खंडूरी जी जी, वो सपना साकार होने जा रहा है ये मैं सोच रही हूँ। हमारी बहन हमारी बेटी जो अब मैदान में आई हैं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि रितु खंडूरी जी हमारी शान है, हमारे उत्तराखंड की बेटी ही नहीं हमारी एक अच्छी नेता भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का वर्चस्व अगर हो तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि खंडूरी जी के जगह पे उनकी बेटी अगर आती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और आज तक शीर्ष नेतृत्व जो कहता है उसी को माना जाता है। लेकिन जो भी हो उत्तराखंड महिलाओं की पहचान है, महिलाओं ने वर्चस्व दे रखा है और अगर ऐसा होता है तो आपके माध्यम से मैं इस बात का बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये आज नहीं मैडम आप हम लोगों को बिठाया है। नहीं मैं तो चाहता हूँ जो करता है मातृशक्ति को मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का, सदन के भीतर जाने का। और जी, जो नेतृत्व की क्षमता महिलाओं में होती है वो इंदिरा गांधी ने भी साबित किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पार्टी वो कोई हो, पार्टी वो कोई हो, अगर महिला है हाँ जी मैं तो उसको हमें पीछे नहीं रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैडम आपसे, तो मैंने ये सवाल आपसे गलत तो नहीं किया ना, जो पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि क्या अब की बार खंडूरी सरकार? नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो देखिए हम अपना हमने विचार रख सकते हैं लेकिन हमें कहने का अधिकार नहीं है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपने गुहार लगा सकते हैं, महिला होते हुए महिला के लिए मैं बोल सकती हूँ लेकिन ये निर्णय तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, इसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन दिल से चाहते हैं कि महिलाओं का वर्चस्व है तो दायित्व लेने के लिए हम पुकार लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो होना है रितु खंडूरी मुख्यमंत्री बने, महिला है और महिला के लिए हम क्यों नहीं चाहेंगे, ये तो अधिकार बनता है, ये अधिकार बनता है रितु जी का। मैंने कहा वो बेटी है हमारे उत्तराखंड की, उनको अधिकार बनता है लेकिन ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, जहाँ शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उत्तराखंड को 5 साल के लिए दे, क्योंकि हम ये 5 साल के लिए, क्योंकि हम ये सुनते सुनते थक गए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले, तो अब हमें जो भी मुख्यमंत्री मिले, मुख्यमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार जी, 8 बार नित्यानंद स्वामी जी, कोश्यारी जी, नहीं खंडूरी जी, निशंक जी, फिर खंडूरी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ जी, परिवार बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा सबको इस बार नहीं, परिवार इतना बड़ा भी नहीं है कि आप एक मुखिया नहीं चुन सकते, हमारे पास देश में एक मुखिया है ना,
तो फिर राज्य में क्यों नहीं हो सकता एक मुखिया? एक ही मुखिया चाहिए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार हो, वो नहीं, जो सरकार तो 5 साल की होती है। सरकार 5 साल की है, क्योंकि बहुमत आपको इस हिसाब से मिला है कि कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भी 5 साल के लिए दीजिए ना। बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है कि 5 साल के लिए जो मुख्यमंत्री है वो केवल फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो उत्तराखंड का है, हमारे देश का वो हिस्सा है उत्तराखंड। वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं, पार्टी के नहीं होते। मैं आपसे कह रही हूँ पार्टी कोई भी हो लेकिन मुख्यमंत्री वो सबका होता है। ओके, अनिल भास्कर जी, मेरी चिंता ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए, ये पार्टी का फैसला है, संगठन का फैसला है, पार्टी आला कमान का फैसला है। मैं विधायक नहीं जोड़ रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विधायक चयन नहीं करते कि हमारा नेता सदन कौन होगा। विधायक चयन नहीं करते, मैं जानता हूं। ना आपके घर में चयन होता है, ना बीजेपी के घर में होता है, और ना ही आम आदमी पार्टी करती है। चयन विधायक नहीं करते, चयन दिल्ली से होता है, आला कमान करता है। मेरी चिंता कुछ और है। विधायक आप किसी को भी बनाइए, लेकिन 5 साल के लिए बनाइए। विधायक 5 साल के लिए तो मुख्यमंत्री भी 5 साल के लिए, तो मुख्यमंत्री का चयन हो तो इस गारंटी के साथ कि भैया 5 साल आपको दिए कि नहीं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से 2007 से लेकर के 2012 तक पहले निशंक जी को, पहले खंडूरी जी को, फिर निशंक जी को, फिर खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इसी प्रकार से फिर अभी तो जब 57 सीटें इनके पास थी, पूरा बहुमत था, किसी प्रकार का कोई बहुमत पहले भी था और इस बार भी बहुमत था। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे हमारी बहन गीता जी ने कहा कि बड़ा परिवार है, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो मेरा निवेदन यह है कि हिस्सा ऐसा भी ना हो कि समाज का नुकसान हो, प्रदेश का नुकसान हो, भावी पीढ़ी का नुकसान हो, आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो। एक दिशा तय हो और उस दिशा के हिसाब से काम करें। जनता ने अब जो भी दिया है, जैसे भी आपने बहुमत लिया है, जैसे भी सीटें जीती हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी नहीं, है आपके पास चर्चा के लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैं माफी के साथ, चर्चा के लिए कुछ बचा भी नहीं है, है कि नहीं? नहीं, वो जो काम होते हैं वो काम हम कर भी नहीं सकते, और उसको करने की अंदर से कॉन्शियस अलाउ भी नहीं करती है कि जिस प्रकार के लेकिन प्रकार की... सर मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, विपक्ष में चाहे बीजेपी बैठे, कांग्रेस बैठे, आम आदमी पार्टी, सर इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना, वो तभी कोरोना तभी दूर होगा जब लड़ने की क्षमता आएगी, है ना सर? तो जो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा पार्टी का, उसके लिए वैक्सीन लगाना भी जरूरी है, दवाई कड़वी दवा लेना भी जरूरी है। तो आपकी बात का जवाब देता हूं, वैसा आपकी बात का जवाब दे देता हूं, आपकी बात का जवाब देता हूं। लोकतंत्र में ठीक बात है, आपने कहा कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी, मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो विपक्ष जो मजबूत होता है, ये विकल्प है कांग्रेस पार्टी, तो विपक्ष तो जनता ही होती है, और जब विपक्ष जनता होती है, जनता ही कमजोर कर दी गई है। तो जनता को ऐसा बूस्टर दे दिया गया है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसको इस प्रकार का देकर के उनको निष्क्रिय करने का काम चल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं, दिमाग से सोचना बंद करें, यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है? बेवकूफ नहीं है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है, चीजें जनता बेवकूफ है। ऐसे एक काल्पनिक उनको ऐसी दुनिया में ले जाया जा रहा है जहां उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का जो काम शुरू हो रहा है वो एक अलग है। आने वाले समय में, और इस बात को आप भी अनऑफिशियली मैं समझता हूं स्वीकार करेंगे, पंजाब की जनता आप भले ही ना करें, यानी आप अपनी कमियां ढूंढने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। नहीं, हमारी कमी है, हम उसमें ये तो नहीं कह रहे हैं, हम सारी कमी हमारी नहीं है। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि बिल्कुल मानता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वो लोग आपको वोट क्यों नहीं कर रहे, मेरा सवाल ये था। भाई साहब मैं एक बात निवेदन आपसे करता हूँ, टीवी पर जब बैठते हैं और टीवी पर जो एंकर बोलते हैं, अगर आप भी जमीन पर जाकर के नेतागिरी करके आए 2 महीने 3 महीने, तो आप कहेंगे कि वास्तव में किन परिस्थितियों में आप नेतागिरी कर रहे हैं। खुद आप थक हार करके, जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने राजनीति की और वापिस आकर के अपने स्टूडियो में बैठ गए, क्योंकि वो वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति, दूसरे पर सवाल करना बड़ा आसान काम होता है, परिस्थिति जब मैदान में होते हैं। सर सुन लीजिए, सचिन, आपको मैं बताता हूँ सर, मुझे लगभग उत्तराखंड को देखते हुए, मनोज सर भी जुड़ गए हैं, लगभग खंडूरी जी के शासनकाल की बात नहीं कर रहा, तिवारी जी के शासनकाल की बात कर रहा हूं, है ना सर?
मैं तब से उत्तराखंड को देख रहा हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। सवाल पूछना अगर गलत है या सही, कह रहा हूं कुछ दिन राजनीति कीजिए तो समझ में आएगी, तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि जब मजबूत विपक्ष के रूप में ही जनता ने आपका चयन नहीं किया तो जनता बेवकूफ कैसे होगी। मैं ये मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप सब्जेक्ट कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप तिवारी जी की बात कर, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तिवारी जी का आपने जिक्र किया, तिवारी जी के समय में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक तभी तभी शुरू शुरू हुआ था, उसका इतना प्रसार नहीं था। लेकिन हरीश रावत जी थे, व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं थी, सर। हाँ, मैंने तो वो शासनकाल भी देखा है। आप और कुछ जानना चाहेंगे, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ आपको। भाई साहब, अगर या तो मेरी बात पूरी सुने तब तो मैं बात का जवाब दूं, बीच बीच में यदि जवाब बातें काट दी जाएंगी तो फिर क्या फायदा है। प्लीज कंटिन्यू। किसी बात को पूरा सुने तो अच्छी बात है, वरना मैं चुप बैठता हूँ, आप तो बाकी लोग ही सुन लीजिए प्लीज सर, वरना आप कहेंगे कि ये भी नहीं, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने घर बैठने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारा नहीं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रदेश का भला हो। मैं नहीं चाहता प्रदेश का भला हो, सबका भला हो, मैं चाहता ही नहीं सर विपक्ष घर में बैठे। जब आप जनता के बीच जाते हैं और जिस प्रकार के आप व्हाट्सएप मैसेज उनके बीच में देखते हैं कि किस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेज घूम रहे हैं, मन करता है राजनीति छोड़े घर बैठ जाइए। इस प्रकार की झूठी बातें, इस प्रकार के डरावनी मैसेज, इस प्रकार की डरावनी बातें करके उनको मिसगाइड करना, मतलब यदि आप एक व्यक्ति को समझाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाए, अगर वो उसके बाद भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जिस प्रकार से खुलेआम, मतलब यहाँ पे मैं हरिद्वार की अगर बात करूं, मतलब यहाँ पे जिस प्रकार का पैसा का उड़ाया गया है बीजेपी के द्वारा, घर घर सामान बांटा गया, साड़ियां बांटी गई, पाजेबे बांटी गई, शराब की नदियां बहा दी गई, इस प्रकार की यदि आप चाहते हैं कि उस प्रकार का चुनाव भी कांग्रेस भी लड़े उस स्थिति पे जाकर के, तो मैं समझता हूँ सारा, क्योंकि चंदा तो आज की तारीख में बीजेपी लेके जा रही है, तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा, विपक्ष तो क्या है, विकल्प कैसे मजबूत होगा। गंगा किनारे बैठे साधु और संत हैं। मनोज सर, मैं जानता हूँ, आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन संगीता जी आपका सबसे ज्यादा शराब भी उत्तराखंड के अंदर आज की तारीख में हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ सर, आप कौन साधु और संत है मैं सब जानता हूँ सर, कौन कितने किसने कितने रुद्रप्रयाग में भी बाटी, वो भी छोड़िए उस बात को, कब बाटी वो भी मुझे पता है, छोड़िए उस बात को। लेकिन एक बात संगीता मैडम, फिर मैं मनोज सर के पास जा रहा हूं, आप चाहती हैं कि उत्तराखंड में इस बार महिला मुख्यमंत्री आए, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल मैं हर बार पूछता था, ये कर्नल कोठियाल जी की जमानत बची कि नहीं? संगीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए। जमानत नहीं बची, और देखिए हम ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो हम मानते हैं कहीं ना कहीं शायद जनता तक अपना वो संदेश नहीं पहुंचा पाए, या हमने पहुंचाने की जो कोशिश की वो उनके दिल तक नहीं पाया, इसलिए उन्होंने हमें जनादेश नहीं दिया और भाजपा की सरकार वो दोबारा लेकर के आए और फिर एक पूर्ण बहुमत की सरकार लाए। नहीं मैडम, पर अब आप लोग कितना गुस्सा हो जाते थे ना मुझसे, मुझसे में कितना गुस्सा हो जाते थे आप लोग जब मैं ये सवाल करता था, मनोज सर गवाह है उसके, मैं लगातार ये सवाल करता था कि क्या कर्नल कोठियाल की जमानत बच जाएगी, तो आप लोग मुझ पे इतना गुस्सा होते थे। कोई काशीपुर से मैसेज करता था, कोई रुद्रपुर से, कि ऐसा सवाल क्यों करते हो? ये लोकतंत्र है और यहाँ जनादेश जनता ही देती है, जमानत बची कि नहीं? जनादेश होगा उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही ताकत है और लोकतंत्र को जो फैसला लाना था वो अब ले आए और उन्होंने एक सरकार बना दी। उसी तरह अगर हम कहें कि पंजाब में हमें सुनामी की तरह आम आदमी पार्टी को वहां की सरकार बनाई, वहां की जनता ने एक वहां सुनामी ला दी, तो जिस तरह यहाँ उत्तराखंड में हुआ, हमने पंजाब में एक ऐसी सरकार मंथन करो करके आई जो उन्होंने कमाल ही कर दिया, ऐतिहासिक दिन मंथन करो, तो कहीं ना कहीं वो सुनामी आपको आने वाले वक्त में उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। मंथन करो मैडम कि क्यों ऐसा हुआ, मंथन करिए कि झाड़ू उत्तराखंड में क्यों नहीं चला। हम अपना संदेश लेकर के जनता तक गए, लेकिन उनके दिल को वो संदेश नहीं छू पाया, या हम ऐसा नहीं है काम नहीं कर पाए जो जनता चाहती थी। पंजाब और उत्तराखंड की जनता, पंजाब अलग देश नहीं है, वो इसी देश का हिस्सा है। उत्तराखंड की जनता बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त है। पंजाब में क्योंकि हमारे 20 विधायक पहली सरकार में रहे हैं तिलक भाई, और यहाँ हमारा पहला विधानसभा। मंथन करिए, ओके। मनोज सर, आपने सुना कितनी तोहमत मेरे ऊपर मणी गई, ये वही थे जब मैं पूछता था इनसे कि कर्नल कोठियाल की जमानत बचेगी, कहते थे चुप, ऐसा सवाल नहीं पूछते, ये कोई सवाल है, क्यों पूछते हो ऐसा सवाल?
मैं हर बार इनसे पूछता था कर्नल कोठियार की जमानत बचेगी, कोई काशीपुर से, कोई रुद्रपुर से, कोई देवप्रयाग से, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज करते थे मुझे ये लोग। लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा, आप इनके सामने मनोज जी, आपके सामने अनिल भास्कर जी से, वो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये खामा का कांग्रेस को बदनाम कर दिया, जनता भ्रमित हो गई इसलिए हम आ गए। बताइए सर, तिलक जी मैं गीता ठाकुर जी से शुरुआत करता हूँ, फिर अनिल जी के पास जाता हूँ और फिर संगीता जी के पास जाता हूँ, तीनों के जवाब में मैं सबसे पहले गीता ठाकुर पहला विधायक और इस तरीके से आज पार्टी के बाहर कब आप भाजपा कार्यालय में गई। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं करवा रहा हूं उसको कनेक्ट, प्लीज मैंने उस तरह अपनी बात रखी, सर ऑडियो में पता नहीं क्यों समस्या आ रही है, मेरे पीसीआर सहयोगी करेक्ट कर रहे हैं। मनोज सर जी अब अपनी बात रखिए, जी जी सर अपनी बात रखिए प्लीज, मनोज सर मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूँ। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ। लेकिन अनिल भास्कर जी और गीता ठाकुर जी मेरी आवाज आ रही है आपको, गीता ठाकुर जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है गीता मैडम जी, बाकी तो कई कतार में खड़े हैं ना, रितु खंडूरी जी के पास ऐसा कौन सा अनुभव है जिस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दे तो ज्यादा बेहतर होगा? कई ऐसे धुरंधर हैं, वो कैसे संभाल पाएंगे उन चेहरों को जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? सबसे पहले अधिकार मांगने से मिलता है, बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो सबसे पहले हम अधिकार मांगे तो सही, नहीं तो कहेंगे आपने तो मांगा ही कुछ नहीं, तो हम अधिकार मांग रहे हैं लेकिन हमारे मांगने से कुछ नहीं होता, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है जी। अनुभव तो सीखते आता है। नहीं नहीं मैं तो अनुभव की कमियां जी, आपकी पार्टी में कई महाराज जी हैं ना, मतलब कई महाराज जी मतलब ये कि कई हैवीवेट नेता हैं, कैसे वो एडजस्ट कर पाएंगे? ये तो समय बताएगा, जब काम होता है, जब महिला घर में परिवार में भी संभालती है और घर को भी संभालती है। मैडम आपके वहां से बहुत शोर आ रहा है, जीत का बहुत शोर आ रहा है, बहुत जोर जोर से शोर मच रहा है जीत का, मैं एक मिनट आ रहा हूं कनेक्ट करवा रहा हूं। लेकिन अनिल भास्कर जी आपको भी लगता है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बेहतर होगा उत्तराखंड राज्य के लिए? सर अनम्यूट कर लीजिए। जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और ये अच्छी पहल होगी और मैं तो समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए केंद्र सरकार को, जो उनके पार्टी के नेता है तो मतलब उनको महिला हूं लड़ सकती हूं ना, आप सिफारिश नहीं करेंगे इनकी? क्यों नहीं, हमने तो आपको पहले ही बोल दिया ना, मैंने कि अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करेंगे, हमने कहा ना। लेकिन इतना तो हमारी सिफारिश ही हुई, इतना आसान हो पाएगा एक महिला? मैं उनकी कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं जानता हूं कि महिलाएं बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हैं, अगर उनके हाथ में मैनेजमेंट सौंप दिया जाए, जब घर संभाल सकती है तो फिर देश क्यों नहीं और फिर राज्य क्यों नहीं? लेकिन फिर भी जो इतने हैवीवेट नेता हैं बीजेपी में, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, तो फिर वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? मेरा सवाल ये था। मेरे से है? जी जी सर, आपको लगता नहीं? देखिए ऐसा है, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं इंदिरा जी, सोनिया जी, प्रियंका जी,
हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मीरा कुमार जी और प्रतिभा पाटिल जी, बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्होंने महिला होने के बावजूद भी बहुत सारा कुछ, आपके यहाँ से ना इको बहुत ज्यादा आ रही है। मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ सर, आप अपनी बात रखिए, इको आ रही है मैं उसको करवा रहा हूँ। लेकिन एक नाम भूल गया, मैं ले लेता हूँ, एक नाम भूल गया आप। स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने याद दिलाया उसके लिए धन्यवाद। तो उन सभी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि इनसे कमजोर रही हो, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अगर वो बनती हैं तो आने वाले समय में चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो या धामी जी हो, उनसे बेहतर शायद साबित हो। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मौका होना चाहिए, एक महिला के हाथ में आना चाहिए। और ये उत्तराखंड के लिए हम भी चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेहनत करती हैं, तो उनके लिए कुछ काम अच्छे से हो सके, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको अच्छे से वो समझ सके। हो सकता है वो कई बार नहीं किसी ने ग्रहण की हो समस्याएं, वो उनको समझ करके उनको दूर करने का प्रयास करें, वो अपने बच्चों की तरह से युवाओं को समझ करके उनकी समस्याओं को दूर करें। संगीता मैडम, आपको भी लगता है कि एक महिला के हाथ में कमान होनी चाहिए उत्तराखंड की? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी पहल होगी उत्तराखंड के लिए। और अगर बीजेपी को जिस तरह से पूर्ण बहुमत मिला है तो वो अगर ऐसा करते हैं तो अन्य पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये उदाहरण होगा और एग्जाम्पल सेट होगा, नजीर पेश कर देंगे वो कि एक महिला देश के लिए। जी बिल्कुल कि उत्तराखंड जो महिलाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ की वीरांगनाओं के लिए जाना जाता है, तो अगर यहाँ की मुख्यमंत्री भी एक महिला होती है तो ये बहुत गौरव की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चलते चलते मैं एक बात फिर से कहूंगा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, कोई भी बने, लेकिन 5 साल के लिए बने। पहली बात, किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनना है, संविधान के अनुरूप किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनना है। आलाकमान किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए लेकिन 5 साल के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग मेरे से बड़े हैं अनुभव में भी और उम्र में भी। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, तमाम मुख्यमंत्रियों को मैंने परेड ग्राउंड में शपथ लेते हुए देखा है, परेड ग्राउंड में। कहां? परेड ग्राउंड में, उत्तराखंड के परेड ग्राउंड देहरादून में। अगर वाकई आप पहाड़ प्रेमी हैं, पहाड़ हितेशी हैं, अगर आपके दिल में पहाड़ का दर्द सहन करने की क्षमता है तो इतनी हिम्मत जुटा लीजिएगा। अगर संविधान इस बात की इजाजत देता है तो कि यह शपथ ग्रहण समारोह उस गैरसैंण की गोद में जाके कर लीजिएगा, उस गैरसैंण की गोद में जाके कर लीजिएगा जिस गैरसैंण की कसम आप तीनों ने खाई। उस दिन मैं मानूंगा कि उत्तराखंडियत का आप लोगों ने ख्याल रखा, आपने उत्तराखंडियत का मान रखा। मुख्यमंत्री कोई भी बने, गैरसैंण की गोद में जाकर शपथ ले ले, तब मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने उत्तराखंड का सम्मान रखा, इंद्रमणि बड़ोनी का सम्मान रखा, उनका मान रखा, उन शहादतों का अपमान नहीं किया आप लोगों ने, उसका सम्मान किया जिन्होंने उत्तराखंड की खातिर अपनी इज्जत तक नुछार कर दी, तब मैं मानूंगा कि यह उत्तराखंडियत का सम्मान हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी आपका भी, अनिल सर आपका भी और संगीता मैडम आपका भी। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं पत्रकार हैं। सत्ता में कोई भी आए, सवाल उससे कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो आज पूछता है उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।